बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के सराफा मार्केट पर एक ज्वेलर्स की दुकान पर एक बिनवट गांव का रहने वाला अनिल तिवारी नाम का व्यक्ति ज्वेलरी की सामान खरीदने के लिए आया था। वहां ज्वेलरी के सामान खरीदने के बाद उसमें 20,000 रुपए और पूरे जेवर एक बैग में रख दिया। वहीं उसमें अपने बैग में अपना मोबाइल रख दिया, काउंटर पर रख दिया। रखने के बाद वहीं पर पानी पीने लगा। तभी अज्ञात टप्पेबाज मौके पर पहुंचा और उसका बैग छीनकर मौके से फरार हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिला है। वहीं आगे थोड़ी दूर बाद उसकी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बाइक में बैठकर फरार हो गया। जब तक अनिल तिवारी सड़क पर उतरता तब तक वो बैग लेकर रफू चक्कर हो गया था। सूचना मिलते ही बबेरू कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश और टप्पेबाज की तलाश पर जुटी हुई है। वही सूचना मिलते ही बांदा पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश सिंह मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज भी देखा है और जल्द ही खुलासा करने की बात कही है। न्यूज बीके के लिए बांदा से जितेन सिलवा। बबेरू कस्बे में एक दुकान में एक टप्पेबाजी घटना हुई है, जिसमें कि दिख रहा है कि ज्वेलरी की शॉप में एक लड़का जो है वो अखबार पढ़ने के बहाने वहाँ बैठता है और बगल में रखा बैग वो मौका पाते ही वो उसको ले कर निकल जाता है। और आगे की भी फुटेजेस देखी गई इसमें, तो उसमें कुछ अन्य साथी भी हैं इसके जो दूसरे थोड़ी दूरी पर इसका वेट कर रहे थे। तो इस घटना की सूचना मिलते ही हम सभी लोग मौके पर यहाँ पर आए हैं। पूरे कस्बे का हम लोगों ने भ्रमण किया है, कैमरे चेक कराए हैं, कई टीमें हम लोगों ने लगा रखी हैं इसके खुलासे के लिए। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।